गाइस गुड रे लास्ट लेक्चर नोट्स। क्या कर रहे थे बेटा लास्ट पार्ट? एनीवन व्हाट वाज द लास्ट पार्ट द लास्ट लेक्चर? तो आपने क्वेश्चन दिया था ये भी मैं बताऊं ना, आसपास क्या किया था? एडिशन ऑफ अल्कोहल आइडिया एडिशन ऑफ एसिटल केटल फॉर्मेशन। अच्छा, रिएक्शन शुरू हो गए, प्रिपरेशन फिनिश हो गया, राइट? यस, एडिशन ऑफ अल्कोहल हो गया था या बताना बाकी था? आपने मैकेनिज्म भी बता दिया था, तो उसपे क्वेश्चन नोट भी लिखा है। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। सर वो लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? एक मिनट बेटा, सब बता। ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस हैं। यू मे गेट दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली इन द एग्जाम। अगर आप लकी हुए तो एग्जैक्टली ऐसा ही आ जाएगा, वरना थोड़ा बहुत चेंज करके वो दे देते हैं। आंसर्स निकालिए बेटा इन सबके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बेटा मैंने दिया था, इनमें से कोई था? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो मेरे ख्याल से ये रहा होगा, है ना? तो नॉर्मली क्या होता बेटा कि फॉर एल्डिहाइड्स कीटोन्स वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल and these two RO parts will get connected like this, है ना? यही करते हैं हम लोग, इसी को एसिटल कीटल बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, सेम मॉलिक्यूल इज हैविंग टू ओ एच, हैविंग टू ओ एच या ओ आर आप बोल सकते हो, यानी इसको ये पार्ट हटा दो, इसका ये हटा दो और सीधे तुम इस इन दोनों को कनेक्ट करने की ट्राई करो तो क्या नजर आएगा? बस आंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? यस सर। आपको केवल दो ओ आर ही तो जोड़ना था, दो ओ आर जोड़ दिए, तो इसमें भी ओ आर है तो, और ये यहाँ से कनेक्टेड है तो कनेक्टेड रहने दो उसको। इज इट क्लियर? यस सर। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आपको अभी आना चाहिए, तो ये पार्ट कॉपी कर लो, फिर वो क्वेश्चन जो मैंने अभी दिए उनको अटेम्प्ट।
copy it beta. Should I remove this? So just 5 seconds. Done, sir. इसका कोई आंसर निकाला या इस पेज पे रुकना है? तो सर रुकिए. प्लीज वेट. So can you show the next page?
सबने लिख लिया बेटा पहला वाला पार्ट, आप भेजो मेरे को, तब तक मैं आंसर्स देखता हूँ आपके। आंसर्स जिसने भी निकाल लिया वो ग्रुप में डाले बेटा। डिस्कस बेटा सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। देखो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल तरीके से सोच के आंसर निकालना है आपको। केवल क्या करना है, दो ओ आर लगाने थे तो ये एच टू बाहर कर दो और ये जो दो बॉन्ड्स हैं वो सेपरेटली लगा दो। क्या आप सब समझ पाए बेटा? Yes, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं एल्डिहाइड्स के। अगर तुम इसमें यू नो एसिडिक कंडीशन में पानी छिड़क दोगे तो ये वापस कीटोन बन जाएगा पुरानी वाली स्टाइल का।
ये आपका प्रोडक्ट मिल गया है ना, इस तरह आप सारे प्रोडक्ट्स लिख सकते हो बड़े आराम से। ये वाले कि इसमें तो देखो तुम इंटरनल रिएक्शन दिखा सकते हो इंटरनली, तो जो प्रोडक्ट इस वाले में मिलेगा वो मेरे ख्याल से ऐसा 5 मेंबर ड्रिंक बना सकते, राइट। और दूसरे वाले में देखोगे तो ये बना सकते हो, कितना हो गया इसमें 6 मेंबर बनाना है ना, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सीधे यहाँ ऐसे जोड़ दो। सब क्लियर है बेटा? यस सर। इसको कॉपी कर लो सारे बच्चे, फिर थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट करते हैं। आप एक बार रिवर्स पेज दिखाएंगे प्लीज? यस बेटा। ओके सर। ये वाला भी सर? यस बेटा। का क्वेश्चन था जिसमें रिएजेंट TSOH लिखा था, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालो या ये डालो, सेम आंसर। सर इसमें एक स्टेप होगा जहाँ पे O H O T S बन जाएगा ना? ये एक्चुअली आप इसको समझ लो कि जिस तरह से H3O प्लस होता है, ये भी एक सल्फोनिक एसिड की तरह काम करेगा, तो H देगा बस H प्लस के फॉर्म में, ऐसा मान के चलेगा। मैंने एक नोट लिखाया है बेटा कि कुछ कहीं पर लिखाया होगा जहां पर मैंने लिखाया होगा कि आप TSOH भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस। सर और कहीं पे तो लिखा था कि TS makes OH a good leaving group। नहीं नहीं, यहीं पर नोट लिखाया होगा इसी इन्हीं रिएक्शंस के लास्ट में। यस यस, कोई मैडम हेल्प करेगा? सो द एसिड यूज्ड ऑन द रिएक्शन वाला में लिखा है। यस सर, मिल गया, थैंक यू। इसलिए मैंने जानबूझ के TSOH दिया क्योंकि TSOH कहीं और भी यूज होता था तो उसका कोई और फंक्शन वहां था, ये टॉक्सिक एसिड करके इसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे H प्लस, इसको इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। हमने जब H प्लस के लिए दिमाग नहीं लगाया तो TSOH के लिए क्यों लगाएंगे, सेम ही फंक्शन कर रहा है वो, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सबने कॉपी कर लिया था है ना, फर्स्ट पेज का दोनों। कितनी बार फर्स्ट पेज देखे गए? थैंक यू। अब आपको वो मैजिकल क्वेश्चन जिसके लिए ये रिएक्शन एक्चुअली में पढ़ी गई थी, बताइए बेटा क्या क्या आंसर्स मिलेंगे।
हो पाया बेटा, डिस्कस कर लें अभी? यस सर, यस सर। देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है रिएक्शन, तो इसका मतलब ये तो क्लियर कट है कि ये यहीं पर प्रोसेस होगा, है ना? सो इट इज इजी फॉर यू टू राइट आंसर, ये तो ऐसा आप बना दोगे। यस सर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रोटेक्शन, इसका ये एक्चुअली में जो आप लिख रहे हैं वो क्यों कर रहे थे? सो दैट ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नाउ रिएक्ट्स ओनली विद दिस, अगर पहले डाल देते तो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। सो इसका जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा यू कैन इजिली राइट दैट एज दिस, यहाँ CO था तो CH2OH लिख दो। सब क्लियर है बेटा? CH2OH आ गया। फिर आप जब H2H प्लस दोगे तो ये पार्ट अगेन ये क्या होगा, अगेन कीटोन फॉर्मेशन, है ना? Yes, sir. तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिख जाएगा, राइट? तो अब इन दोनों में तुमको केवल इसके साथ रिएक्शन दिखानी थी तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ गया, है ना, यहाँ पर। लेकिन जब तुमने ये डाला तो नाउ इट विल रिएक्ट विद बोथ, और जब बोथ बोलना शुरू कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर CH2OH और नीचे OH। इज इट क्लियर बेटा? ये आपको ध्यान देने वाली बात, yes, ठीक है। इसमें अगर चेयर वगैरह पूछ लेगा तो फिर वो चेयर फॉर्म बना करके आप मेजर प्रोडक्ट दिखा देना, समझे ना, ऐसा करके दिखा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेन चीज ये थी कि आपने यहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया इस वाले में, और ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोटेक्ट किया था उसे। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में होगा ना? एडिशन ऑफ थायोल्स, तो यहां लिख देना सिमिलर टू अबव रिएक्शन। डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें जो है वो आप एल्कोहल के बदले क्या ले लोगे? थायो एल्कोहल, और कोई थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्लियर बेटा? ये आप लिख लो, ठीक है। और ये लिखने के बाद एक्स्ट्रा अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ H2 PD और NI ये कर दो, इसको बोलते हैं मोजिंगो रिडक्शन।
शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा एल्केन चैप्टर मोजिंगो रिडक्शन टू गेट एल्केन। सो अगर पहले किया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पर ये कॉपी कर लें। ठीक है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या है? RCH2R बेटा, एल्केन प्लस C2H6 प्लस H2S। हो गया? यस सर, बस 10 सेकंड्स। डन सर। सर इस केस में जो एस आर है, जो एस के साथ आ रहा है, वो सी एच थ्री है ना? ये हाँ सर, हाँ हाँ। अगर यहाँ पर एक अच्छा, यहाँ पर जो ये एक्चुअली अभी इसको अवॉइड कर सकते हो, यहाँ आर एच केवल लिख लो आप। ओके, हाँ यहाँ आर एच करके ये यहाँ से आएगा एक्चुअली। इसके बदले तुम वो भी पार्ट लिख सकते हो, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसको आर एस एच करके भी लिख सकते हो, मतलब रादर देन ये एक्चुअली मैं अगर इसको ये बना लू ना CH2 CH2 SH, मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए डाई वाला ग्रुप यूज किया जाता है, तो यहाँ पर यही चीज ऐसे दिखाई देगी। क्या आप सब समझ पाए बच्चे? यस सर, यस सर। ये जो C2H6 आया ना, वो यहाँ से आया है, ठीक है ना? इसके बदले मतलब तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है ना, जो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, समझे? या फिर जब इधर से आ रहे हो तो आप इसको आर एस एच लिख दो, 2RSH। मेरी बात समझ में बेटा? यस सर, सही है, आपने हाईलाइट करवा दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। इसको हटा दें। Now
you write addition of water to aldehydes and ketones. Addition of water to aldehydes and ketones. Addition of water to aldehydes and ketones. देखो बहुत सिंपल है एक्चुअली में, तो अगर आप ध्यान से सोचो और आप याद भी आएगा कि वाटर तो न्यूक्लियोफाइल की तरह आप रिएक्शन करा सकते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, याद करो हमने कई बार ये लिखा है कि सेम कार्बन होल्डिंग टू ओएच क्या होता है, सर एक ओएच लीव कर जाएगा H2O बनकर, अनस्टेबल है ये थर्मोडायनेमिकली। यस सर, इट्स वेरी इजी टू ब्रेक दिस इनटू यू नो H2O एंड कीटोन, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, कब कब ये स्टेबल हो सकता है, वो केसेस लिख लेंगे, वो इनफ है अपने लिए, उतना एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं गया। तो ये कॉपी कर लो, फिर मैं नोट्स लिखाता हूँ आपको। Yes, sir. Done. लिखो इसमें पहला नोट। Aldehydes and ketones generally do not form stable hydrates. Aldehydes and ketones generally do not form stable hydrates. In the bracket, you write geminal diols. In the bracket, you write geminal diols. So, can you repeat the statement? Aldehydes and ketones generally do not form stable hydrate. Stable hydrates. In the bracket, you write geminal diols. The reaction is reversible and mostly lies on left hand side. The reaction is reversible and mostly lies on left hand side. Left hand side. This hydration is thermodynamically unfavorable. So can you repeat? This is thermodynamically unstable. ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट्स लिखो बेटा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स electron releasing substituents stabilize the partial positive charge on carbonyl carbon. Electron releasing substituents stabilize the partial positive charge of carbonyl carbon. And decrease the amount of gemdiol at equilibrium. And decrease the amount of gem diol at equilibrium. Gem diol के बाद
जेम डायोल एट इक्विलिब्रियम रिपीट आफ्टर पॉजिटिव चार्ज positive charge on carbonyl carbon and decrease the amount of gem diol at equilibrium. Done? Yes, वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो ये रिएक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होगी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो उतना ही कम हाइड्रेट बनाएंगे ठीक और इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट नंबर टू पे लिखिएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.1% जेम डाइहोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.1% जेम डाइहोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.1% जेम डाइहोल यस सर फिर आप लिखो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंसिस्ट ऑफ 99.9% जेम डाइहोल डिफरेंस देखिए आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड याद है फॉर्मलिन भी इसको बोलते हैं यस सर 40% कंसिस्ट ऑफ 99.9% जेम डाइहोल ब्रैकेट लिख सकते इट्स बिकॉज़ ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ HCHO नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा सो इट्स बिकॉज़ ऑफ हाई रिएक्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स डीस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स डीस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ फॉर H2 and they increase the reactivity for H2O और इसका best example है best क्या ये example पूछा जाता है बार बार ये जब तुम इसका diol बनाओगे ये ऐसा दिखाई देता है बनता ठीक है इसको chloral hydrate भी कहते हैं इसी तरह से ये एक popular example है देखो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हर बार की किस किस में हो जाएगा तो जो एग्जांपल पॉपुलर है वो तुम्हें मैं ऐसे ही दे देता हूँ तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर वो आपने एंड में इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ क्या बोला था रिएक्टिविटी फॉर H2O या टुवर्ड्स H2O So towards H2. H2O. हो गया? So, तो in cases में diol ज्यादा stable है हाँ इनमें डाइऑल ज्यादा स्टेबल उन वही एग्जांपल ये लिख भी सकते हो ठीक है आगे आप मेरा पॉइंट लिखो उसके बाद अपने आप ऐड कर लेना जो भी चाहिए हाइड्रोजन एक मिनट बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अनदर फैक्टर दैट स्टेबलाइजेस हाइड्रेट ठीक है तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके भी ऑप्शन में लिखा हो तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे इज इट क्लियर ओके सर अब बोलो कोई बोल रहा था हाँ सर वो फॉर्मल्डिहाइड में जेम डायोल क्यों 99.9% होता है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बड़ा सारे एल्डिहाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ओके सर चलो आगे लिखो
दो और कंपाउंड्स अपने सिलेबस में हैं जो हमको मालूम होने चाहिए. वे लिखिएगा कंपाउंड्स वेयर हाइड्रेट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कार्बोनिल. वन इज दिस वन, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनोन, और इसमें जो है अगर आप ड्रॉ कर दोगे ये फॉर्म. तो इसका एक रीजन ये दिया जाता है कि भाई इसमें स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि रिएक्टिविटी में चला जाता है, एक तो ये हो गया. और एक निन हाइड्रिन करके एग्जांपल है, वो भी लिख लो. ऐसे चार पांच एग्जांपल्स ही हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. हेडिंग क्या था? मतलब टू मोर एग्जांपल्स वेयर जेम डाइओल इज फॉर्म. ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑल ये सब भी आप दिखा सकते हो. रीजन सब वही रिएक्टिविटी है, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इस कंपाउंड को निन हाइड्रिन कहा जाता है. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स वेयर दिस डाइओल जेम डाइओल इज यू नो स्टेबल. तो वो नाम क्या लिखा है नीचे? निन हाइड्रिन लिखा. डन, हटा दे बेटा ये. डन? यस सर. उस पे क्वेश्चंस केवल यही आते हैं कौन कौन सा स्टेबल हाइड्रेट बनाता है, बस इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं गाए. अब लिखिएगा एडिशन ऑफ HCN. एडिशन ऑफ HCN इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट. फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. जो एक्चुअली में रिएक्शन के लिए हम HCN और KOH ऐसा करके लेकर चलते, तो इट इज एक्चुअली CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल हियर. ठीक है, सो C डबल बॉन्ड दिया होगा, CN माइनस विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड यू कैन क्लियरली राइट प्रोडक्ट. ऐसा CN बनेगा, फिर इसका आप क्या करा दो, प्रोटोनेशन करा दो. भाई इसमें क्योंकि HCN तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है तो उसी से वो H ले लेगा, ऐसा बन जाएगा, है ना. फिर CN माइनस बनेगा, फिर वो अटैक कर देगा. ठीक, अब ये जो है ना, अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो याद है मैंने आपको बताया था कि एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, कैन यू रिकॉल? यस सर. तो CN इज द एसिड एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट दैट विल गेट कन्वर्टेड टू COH. लेकिन अगर इसका मैं रिडक्शन करा दूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ, तो क्या हो जाएगा? CN विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2NH. सबको समझ में आया बेटा? तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं. ऐसा आपको उसमें मिलेंगे नहीं बुक्स में, वो तो केवल HCN का रिएक्शन देगा, लेकिन हमको ही अपनी तरफ से ऐड एडिशन करते चलना है. कॉपी कर लो इसको. So, इनमें साइनोहाइड्रिन वो COH और CCN वाला है ना? हाँ, इसको बोलते हैं साइनोहाइड. ओके.
I remove this? For 10 seconds. Should I remove this? Yes, sir. Next, likhega. Addition of sodium bisulfite. ये सारी reactions उतना आती नहीं है, लेकिन कई बार differentiate करने के लिए चीजें, जैसे note से ही पता चलेगा कि ये जो है ना केवल जो है aldehydes reaction देते हैं और ketones में केवल methyl ketones, ठीक है? तो बस वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कई बार पूछ लेते हैं, तो एक नोट लिखो सबसे पहले तो बेटा, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड मोस्टली मिथाइल कीटोन्स. मिथाइल कीटोन्स का मतलब ये हो गया अनहिंडर्ड कीटोन्स, ठीक है? सो ये ऐसा मैंने लिखा. और सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो तो NaHSO3 लिख सकते हो. सोडियम बाइसल्फाइड लिखा है NaHSO3, इसको आप ऐसे लिख दो. उसमें एक्चुअली रिएक्शन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कभी पूछते नहीं है वो, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको इस तरह से लिख सकते हैं. जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो हाईलाइट कर लो, कॉपी कर लो उसको.
सो यस सो रिएक्टेंट में OH किसके साथ जुड़ा है? ये ना सल्फर की सर Done, beta. Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. Now, the another you know very very important. जैसे आपने थोड़ी देर last lecture perhaps किया था ना reactions of alcohols with aldehydes की तरह ketal acetyl formation. वो जिस level की important reaction है उसी level की ये वाली reaction है. ठीक है ना? तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी तक एक पढ़ चुके हैं और एक ही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. ये है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. बहुत सिंपल तरीके से आपको सोचना है. ये सी डबल पहले तो मैं प्रोडक्ट लिखना आपको सिखाता हूँ, फिर सबकी मैकेनिज्म करेंगे. जैसे मैं आर एन एच टू, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन. तो प्रोडक्ट कैसे लिखें? आप केवल और केवल एक H2O बाहर निकालने के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो. तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, यस और नो? और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं तो उसको आप EZ नाम भी कर सकते हैं. तो ऐसा वो क्वेश्चन देगा कि कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस व्हेन ट्रीटेड विद CH3NH2 इट गिव्स टू आइसोमर्स ए एंड बी. आप लैंग्वेज समझ रहे हो क्वेश्चन की किस तरह से आएगा ऑर्गेनिक? यस सर. हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आराम से डील कर लोगे. केवल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. अब प्राइमरी अमाइन का ही समझ लो, वो है एक जैसा ही है. इसको आप देखो, ये भी इसमें भी NH2 है. जहां जहां NH2 होगा वो प्राइमरी एमाइन जैसा ही बिहेव करेगा. इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसमें भी तुम पानी निकालने के बारे में सोचो. नहीं, गलत जगह मैंने डंडा डाल दिया है इसमें. इधर, इज इट क्लियर? यस सर. तो इसमें भी, इसको ऑक्सिम कहते हैं बेटा. तो इसमें भी आप वही चीज लिख सकते हो, ENZ या C90, जैसा भी. मतलब उसको खाली नाम पे नहीं जाना, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने. मैं केवल इतना करने के लिए सब लिख रहा हूँ.
NH2 किया, इसमें भी आप बस एक H2 को बाहर कर दो, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्राजीन। इसको प्रोडक्ट को कहते हैं हाइड्राजोन। सब में आप वाटर निकालेंगे बेटा, सब में आप वाटर बाहर कर दो सब में। फिर इसी तरह से एक प्रोडक्ट होता है फिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH। और अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका लोन पेयर भी है, यहाँ भी लोन पेयर है, विच लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रिएक्शन, सो दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, कैन यू सी? यस सर। तो फिर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि किधर वाला आपको लेना है। यस सर। तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, ये है फिनाइल हाइड्राजीन, ये क्या है फिनाइल हाइड्राजोन। अब इसी तरह से एक बड़ा पॉपुलर है, उसको कहते हैं DNP, और इसी के नाम पे टेस्ट एक है क्वालिटेटिव वाला, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, जो हम सब यहाँ रेगुलरली कर रहे हैं इतने दिन से। इसको कहते हैं 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ऐसा, इसको क्या बोलते हैं 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और ये जो होता है ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। अब कलर आ गया तो टेस्ट किसको बोलते हैं, कलर जिसमें मिलता है। तो ये जो ये लिखा है ना, इसको डीएनपी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो डीएनपी टेस्ट कौन देता है? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ना ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ सर। डीएनपी तो खुद ही डाइनाइट्रोफिनाइल, वो अपना ही टेस्ट, तो हम वो कहीं किसी में डाला जा रहा है, किसमें डाला जा रहा है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में डाला जा रहा है। यस सर। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। इसी तरह से एक है ये, इसको कहते हैं बेटा सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें देखो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, बताइए कौन कौन सा लोन पेयर है, कौन कौन सा लोन पेयर जो है रिएक्शन पार्ट नहीं लेगा? सेकंड ऑफ लास्ट से सेकंड ऑफ ये क्लियरली यू कैन टेल राइट? यस सर। ये आपका प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, ये है सेमी कार्बाजाइड, ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन, ये सब लिख लेना बेटा कि ये लोन पेयर, ये रेजोनेंस, सॉरी ये रिएक्शन एक मिनी पार्ट दे रहा है, ये भी तो NH2 है, तो ये ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट। यस सर। यहां से यू स्टार्ट कर, then I will tell you the mechanism for primary amine. So, geometrical isomers के बाद और नीचे क्या लिखते हैं? ENZ isomers, isomers possible. Okay, sir.
सर तो जब हम वुल्फ किशनर रिडक्शन करते हैं तब हाइड्राजोन भी माइनर प्रोडक्ट यस तो दैट विल बी मैकेनिज्म उसके हम करते नहीं है लेकिन दैट पार्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म यू कैन टेक फ्रॉम हियर ओनली उसमें पूरा रिएजेंट नहीं है ना यहाँ तो खाली NH2 डाला है तो NH2 NH2 ऑब्लिक KOH होता है यस यस They change the page. Wait, sir. I change the page? Yes, sir. Let me know if you have completed.
डन सर. लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद प्राइमरी एंड. Mechanism of reaction with primary end. Difference लाने के लिए यहां ऐसा लिख दिया. अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज क्या है बेटा कि ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इस पे what kind of reaction? Nucleophilic addition हम सब जानते हैं पहले से, तो अपना thought process भी वैसे ही होगा कि न्यूक्लियोफाइल सामने होना चाहिए, दिख रहा है तुम्हें, फटाफट अटैक हुआ. सिंपल तरीके से तुम सोच सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दो. ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड प्लस, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, और ऑक्सीजन बोलता है मेरे पास माइनस है, यू कैन सेंड यूर एच प्लस टू मी, तो ना प्रोटॉन ट्रांसफर लिखेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा आर डैश आर डबल डैश सी, यहाँ हो जाएगा NHR, ये OH. इज इट क्लियर? फिर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर प्रोटोनेशन के लिए वो सिस्टम में रहेगा, वो नहीं भी दिया हो तो भी हम मानकर चलते हैं, तो इसको प्रोटोनेट करेगा, और प्रोटोनेट करने का उसको फायदा क्या हुआ कि यू कैन रिमूव दिस OH as H2O. Am I clear to everyone? ये सब आप reversible way में दिखा सकते. Yes sir. ये बन जाएगा R dash, R double dash, C, यहाँ plus आ जाएगा NHR. आप इसके पास lone pair है, तो ये अपने neighbor की help करेगा. Sixth case of resonance भी बोल सकते हो इसको. तो ये ऐसा दिखना शुरू कर देगा. अब बताइए, एक बार lone pair दे दिया, फिर nitrogen क्या कहेगा? क्या I cannot hold? प्लस, तो उसका जो H प्लस है वो बाहर निकल जाएगा, कुर्बानी दे दिया समझ लो उसने. कांट यू सी प्रोडक्ट मिल गया? क्लियर है बेटा? ये एमाइन है और प्रोडक्ट को कहते हैं आई माइन. कॉपी कर लो. तो हेडिंग क्या बोला था आपने? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन.
Should I remove this? Yes, sir. इसमें दो तीन नोट लिखो बेटा पहले. Since the reaction is acid catalyzed, it is important to maintain the optimum concentration of acid. At high concentration of acid, nucleophile RNH2, will be converted into non-nucleophile RNH3+. And reaction will not occur. Further, you write, best reaction is achieved at pH is equal to 4. And this pH is obtained by a medium. containing a buffer solution of CH3COOH and CH3COONA. तुमने लिख लिया बेटा? The containing CH3COOH, क्या आपने क्या कहा? ये सामने लिखा है स्क्रीन पे, देखो CH3COH और CH3COONA. ओके सर. तुमने लिख लिया बेटा? यस सर. अब हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद सेकेंडरी एमाइन. देखो, अगर मैं आपको हल्का सा यही चेंज करके दिखाऊं कि ये NH2 हटके मैं यहाँ R डैश कर दूंगा या R कर दूंगा, सबको समझ में आया बेटा? मैंने चेंज किया, सेकेंडरी एमाइन बना दिया इसको. सेकेंडरी एमाइन बनाने से यहाँ चेंज क्या आएगा बेटा? यहाँ एक H और हट गया, R लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये H हटके R2 कर दो, अब यहाँ पर भी R कर दो. अब तुम देखो कहां तक रिएक्शन जाएगी, उसके बाद कहां स्टॉप हो गया, क्या आप समझ पाए बेटा? यस सर. यहां पर क्या अवेलेबल नहीं है बेटा? एच अवेलेबल नहीं, यानी कि आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो आप एक नोट सबसे पहले डालो हेडिंग के जस्ट बाद, लिखिएगा those aldehydes and ketones which are capable of reacting with secondary amine. अब आप ध्यान से देखो, ये यहां तक जो आपको दिख रहा है ना, इस पे फोकस करना, पूरा फोकस इस पे, ठीक. और ये जो aldehyde ketone है, इसके बदले में लिख रहा हूं ये, केवल मैं R R dash में चेंजेस कर दूंगा, बाकी तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो मैं इसमें लिख रहा हूं R, या कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, R ट्रिपल डैश डाल दो, R ट्रिपल डैश C, यहाँ पर H, R ट्रिपल डैश
और सी डबल बॉन्ड हो आर डबल डैश। आप डिफरेंस समझ में आया बेटा, मैंने आर डैश के बदले ये चीज डाल दी, क्लियर है बेटा। ये भी कीटोन है लेकिन इसके पास क्या अवेलेबल है, दिख रहा है? कैन यू सी? यस सर। यस सर। तो यहां पर नजर डालना, यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसा आर ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश, यहां सी एच है, फिर यहां सी है, और मैं इसको लिख दूंगा यहां पर आर डबल डैश डबल बॉन्ड एन प्लस आर आर। क्या आप समझ गए यहां तक? यस सर। यहां तक मेरी गलत सब लोग समझ गए। अब नाइट्रोजन परेशान और कह रहा है कि आई कैन नॉट होल्ड दिस प्लस, गिव माई लोन पेयर बैक, क्योंकि उसने हेल्प की थी ना पड़ोसी की, लेकिन पड़ोस जब उसको रियलाइज हुआ कि मैं खुद भी स्टेबल नहीं हूं तो अपने लोन पेयर वापस मांग रहा है। जब ये वापस मांग रहा होगा तो कार्बन बोलेगा कि मेरा क्या होगा, आई अगेन विल गेट दिस पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन ने कहा अपने पड़ोसी से बात करो, उसके पास एक अल्फा एच है, जो चाहेगा तो अपने बॉन्ड पेयर दे के तुम्हें चला जाएगा। क्या तुम समझ पाए बेटा? यस सर। डिफरेंस समझ में आया? तो इसका फाइनल प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, आर ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, क्या रियलाइज कर पा रहे हो? यस सर। और ये आर डबल डैश और यहाँ सिंगल बॉन्ड एन आर आर, ये जो प्रोडक्ट बना इसको एनामाइन बोलते हैं। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ किया, थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि आपको डिफरेंस पता चल पाए कि प्राइमरी एमाइन जब ले रहे थे वो पूरा रिएक्शन जा पाया, सेकेंडरी एमाइन कहां तक गया उसके आगे वो प्रोसीड नहीं कर रहा था। तो प्रोसीड वो कब कर पाएगा, जब एल्डिहाइड कीटोन्स के पास अल्फा एच अवेलेबल, ठीक है? तो ये पूरा आप उसी स्टाइल से कॉपी करिए जैसा मैंने लिख दिया है। यस सर। If you have any confusion in any part, please let me.
Then, beta, should I remove this? Yes, sir. इसमें एक पॉइंट ले लो बेटा, टर्शियरी एमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कोई बता सकता है क्यों? सल्फाइड्स नहीं रहेंगे, सो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा सेकंड स्टेप. बिल्कुल, पहला स्टेज ही उसका रुक जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा. तो ये चीज आप हाईलाइट कर लो, बाकी लिखने की से ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है. ठीक है, मैंने बोला था टर्शियरी एमाइन्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, बिकॉज इन दैट द सेकंड स्टेप दैट प्रोटॉन ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल. एक दूसरा नोट लिखिएगा बेटा, When enamines are treated with alkyl halides, when enamines are treated with alkyl or aryl halides. Followed by hydrolysis. Then alpha alkylation or alpha acylation occurs. The reaction is called, look at the screen. क्या सबको दिखाई दिया? स्टॉक एनामाइन रिएक्शन. देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कार्बन पे जो माइन लोन पेयर आएगा ना वो रेजोनेंस के बाद, तो वो अटैक करता है एज द न्यूक्लियोफाइल. दोनों जगह उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा. तो इस पहले वाले में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका R डैश आ जाएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस R R. क्लियर है? दूसरे वाले में भी इसी तरह बना लो. यहाँ पर आप R डैश, सॉरी यहाँ पर R डैश नहीं, C डबल बॉन्ड हो R डैश, ऐसा लिख सकते हो. ये फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वो लोग. तो हाइड्रोलिसिस कराने की खास बात ये होती है कि जो C डबल बॉन्ड N वाला पार्ट है ना वो ब्रेक हो जाता है, और वहां समझ लो कि C डबल बॉन्ड O आ जाएगा. तो पहले वाले में क्या हो जाएगा ऐसा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा ऐसा. ठीक, अच्छा इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, शुरुआत कहां से की थी हमने? शुरुआत की थी यहां से. ये आपने कोई कीटोन लिया था और ये आपने एक सेकेंडरी एमाइन लिया था. तो इस कीटोन के अल्फा एच के बदले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसको कहते हैं अल्फा एल्काइलेशन. समझ में आया? यहाँ क्या दिख रहा है? एसाइलेशन. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा एसाइलेशन. आई होप आपको थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ रहा होगा. ये रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा है. तो अगर आप लकी हुए तो ये आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा. कॉपी कर लो बेटा इसको. सर प्रीवियस पेज एक मिनट के लिए दिखा सकते हो? यस बेटा.
थैंक यू सर डन डन बेटा यस सर ये तो पोर्शन खत्म हो गया अब इसमें एडिशन ऑफ NH3 करके लिखिए ये लास्ट पार्ट इसको पहले लिख लो एडिशन ऑफ NH3 जो एडिशन ऑफ NH3 एक्चुअली में तो ये मानकर चलिए कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो बहुत अच्छा इसका प्रोडक्ट नहीं देते हैं अगर हम रफ मैनर में लिखेंगे तो लिख तो सकते हैं लिखने के लिए इट इज इजी फॉर अस टू राइट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट लिख सकते हैं है ना जैसे हेमी एसिटल वगैरह लिखते थे ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे हेमी एमाइनल ऐसा करके लिख देंगे है ना और एक या इसका ये भी प्रोडक्ट बना सकते हो जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था इसको इमाइन जैसा याद करो ऐसा बनाया था ठीक है लेकिन यहाँ लिखना दीज कंपाउंड्स आर जनरली अनस्टेबल दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल ठीक है ऐसा करके आपको लिखना है दीज कंपाउंड्स आर जनरली अनस्टेबल दीज कंपाउंड्स आर जनरली अनस्टेबल ऐसा करके लिख लिया बेटा यस सर फिर लिखना स्टेबल हेमी एमाइनल्स कैन बी प्रिपेयर्ड can be prepared from polychlorinated and polyfluorinated aldehydes and ketones polychlorinated and polyfluorinated aldehydes and ketones polychlorinated and polyfluorinated aldehydes and ketones so likhna aromatic aldehydes give condensation product aromatic aldehydes give condensation product ऐसा रहता है तो इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और इसके तीन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं आप चाहिए तो उसको ऐसा दिखा सकते हो C6H5CH डबल बॉन्ड हो प्लस H2NH O डबल बॉन्ड C6H5 दिस इज द सिंपल स्टाइल टू राइट या रिमेम्बर प्रोडक्ट आप ध्यान से देखो ये H2O निकाल दो ये H2O निकाल दो दिस द स्टाइल और यहां से एक H2O बाहर कर दो आप सोच पा रहे हो कि क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो फाइनली
C6H5 दिखेगा, CH दिखेगा, और फिर क्या दिखेगा बेटा इधर हमारा, एक मिनट, हमने कोई मिस्टेक की, डबल बॉन्ड देखना चाहिए ऐसा N और C6H5CH डबल बॉन्ड N, और ये दोनों N जाएंगे किसके साथ, C के साथ, C6H5, इस तरह से यहाँ पर एक H भी रहना चाहिए। ये बेटा ये लिख लो प्रोडक्ट, यू राइट दिस प्रोडक्ट एंड देन यू कैन ये क्वेश्चन एग्जाम इसके आते नहीं है, आप इसको नॉट इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो। यू मस्ट कॉपी दिस बिफोर यू लीव। बाय सर। बाय। सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? यस बेटा। सर हाइड्रोल कंडेंसेशन इसी चैप्टर में है ना? हाँ, तो अभी कंडेंसेशन वाली रिएक्शंस बाकी है। ओके बहुत इम्पोर्टेंट है वो।